हेलो नमस्कार, मैं विष्णु थापा विष्णु फ्लूट। आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ लेसन 10 केन लेकर के। आप सबका बहुत सारा रिक्वेस्ट आया है, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं आप सबको लेसन अगला लेसन ही लेकर के आ पाया, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप सब फिर जो मैं लेसन लेकर आया हूँ उसको रियाज कीजिए, आप सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और आज मैंने बी स्केल का फ्लूट लिया हूँ, बी बेस और तानपुरा मैंने बी स्केल में लगा दिए, और आप सबको भी यही स्केल का फ्लूट से रियाज करना होगा। आज लेसन 10 में मैं बताने वाला हूँ सारे गम पधनी सा नि धप मगर सा मध्य सप्तक, उसके बाद में तार सप्तक का नोट और मंद सप्तक का नोट। फूक फूक के बारे में बहुत सारा प्रॉब्लम आप सब बता रहे हैं, फूक को कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले सारे गामा पद देने से एकदम इजीली प्ले होना चाहिए, उसके बाद में फिर स्टार्टिंग राग। सबसे पहले मैं सारे गामा पद देने से मध्य सप्तक का प्ले करके बताता हूँ। तार सप्तक का और तार सब जैसे अभी मैंने आरोह में गए उसी प्रकार से जाना चाहिए आप सबको भी, ये होना चाहिए ठीक है। तार सप्तक का सात तक फिर अवरोह में आना चाहिए, ये हमने सिर्फ फू किया है, ना कि डू तू रू कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ फू फू। पहले भी हम आप सबको बता चुके हैं, सा करते हैं तो थोड़ा सा ये नी का थोड़ा सा आप इसको खटका देंगे तो मधुर आएगा इस प्रकार से। अब ये लेवल पर आना है, इस प्रकार से देना होगा आप सबको, सारे गम पधनी सा डायरेक्ट ये नहीं करेंगे, ये नी से छोड़ेंगे, यहां पर जो है आपको मधुर आएगा। यस यस, अवरोह में भी देखिए यहीं से सा सा, ये जो है नी का नोट लगा करके, नी का नोट लगा करके हम छोड़ रहे हैं। हल्का हल्का गमक गमक टाइप से लेना है, सानी दप मगरी सा, ये इस प्रकार से लेना है। एक सांस में लेना है ठीक है। अब तार सप्तक में जितना नोट है उसको भी लेना है, कहाँ से जाना है मध्य सप्तक से ही जाना है, मध्य सप्तक का सा से। एक सा से यहाँ हुआ, एकदम इजीली प्ले होना पड़ेगा इजीली। ठीक है, अब मंद्र सप्तक आए हैं, मंद्र सप्तक मध्य सप्तक का सा से मंद्र सप्तक का प तक, थोड़ा सा यहाँ न्यास होगा, ठहराओ फिर आरोह में नीचे जाएंगे, फिर अवरोह में अपना वापस आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, टोटल 15 नोट यहाँ से प से लेकर के जाएंगे, एक सांस में प्ले होना पड़ेगा ठीक है। ये फूक को आप सब बोलते, फूक को कैसे कंट्रोल करना, एक सांस में लेना है और जितना चाहिए ये ब्लोइंग हमें उतना ही देना है, बाकी सब आपको कंट्रोल करना होगा। बिल्कुल जैसे रखें
ज़्यादा भी हम ना फूक कर रहे हैं, जितना चाहिए उतना, जैसे यहाँ नीचे जितना नीचे जाएंगे उतना कम होगा प्रेशर, जितना ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा होगा। जैसे हम नीचे सबसे पहले नीचे मंद सप्ताह पॉप, क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ते गए और थोड़ा उसको चापते गए, थोड़ा सा पावर देते गए, ये होना पड़ेगा। और थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा आप सबको, सिर्फ हू से अभी, ये एकदम जितना हो सके फास्ट आप कीजिएगा क्लियर हो जाने के बाद। उसके बाद आज मैं क्या फिंगर को थोड़ा सा फ्री करने चलाने के लिए आप सबको बता दूं, गरे सगरे 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 सगर कर रहे हैं, लेकिन क्या गरे रे गरे रे ऐसा कर, गरे गरे रे सा गरे रे सा गरे रे सा गरे रे सा, इस टाइप से कर रहे हैं, ये करना फूक फू से। ये आगे का जिसका राइट हो या लेफ्ट हो, जो भी हैंड से बजाते हैं आप लोग प्ले करते हैं, उसको पहले ये दो उंगली को फ्री करना होगा, जितना एक सांस में हो सके कीजिएगा। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, फिर अन्नी और धको करेंगे, सेम चीज, सानी धा सानी धा सानी धा, लेकिन सानी नी धा सानी नी धा सानी नी धा टाइप से, इस टाइप सानी नी धा सानी नी धा सानी नी धा सानी, इस टाइप से करेंगे, लेकिन थोड़ा फास्ट। फिर ऊपर आएंगे, ये करते रहेंगे, जब ये क्लियर हो जाएगा उसका फिर ऊपर आएंगे, तीन तीन जो है इसमें तीव्र मध्यम लेंगे, इसलिए आपका ये हाथ फ्री करना है, फिर इतनी जगह तीन, ये करेंगे पूरा छः टोटल फिंगर को मस लेंगे, करते रहेंगे जब तक ये फ्री नहीं होगा, फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाने के बाद में उसके बाद में आप क्या करेंगे, ये करेंगे इस सब अंगुली का आपको फ्री करने के लिए, बाद में उसके बाद में फिर ये करते रहेंगे, जब फ्री हो जाएगा उसके बाद में फिर अगले लेसन 11 से आप